हेलो फैम, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब भाई? नाउ आप सब खैर खैर से अपनी जिंदगी एंजॉय करोगे। दिस इज मी मोहम्मद अल्हा, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। भाई आपका 3-4 छुट्टियों बाद दोबारा आपके सामने हाजिर हो चुका है। भाई साहब सीन कुछ यूं था कि मेरे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं पेपर्स, तो आपको पता है आपका भाई थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है। आपके भाई ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिला, सो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना पूरा वीक पूरी छुट्टियां की जाए मज़े से, ठीक है, व्लॉगिंग से। लेकिन मैं दूसरी एंड पर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ने पास होना, यार भाई नहीं पास होगा तो फिर ज़िंदगी भी हो जाएगी। सो मैं अब मेहनत कर रहा हूँ, व्लॉगिंग के लिए कम टाइम मिला, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। भाई साहब आपने टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि भाई का भी आपके बगैर दिल नहीं लगता, दिल करता कैमरा ओपन करे आप लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दे, इसलिए चलते हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है और आपको पता है मैं बाहर निकलता ही निकलता। आए 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 आए। अच्छा आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सब्जियाँ। आपको मैंने तकरीबन वीक पहले वीडियो के अंदर दिखाया था, भाई ये छोटी छोटी सी थी, उससे पिछली वीडियो में दिखाया थी ही नहीं, देख लो वीक लगा और कितनी बड़ी बड़ी, क्या यार अल्लाह ताला की क्या शान हुआ। हाँ मैं सीन दरअसल कुछ यूँ था कि मुझे अम्मा हुजूर ने भेजा था कि बाहर से जाके लेमन तोड़ के लेके आओ, तो हम चलते हैं लेमन वाले पौधे पर और वहाँ से तोड़ते हैं लीमू। और आप लोगों के भाई ने यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया और व्लॉग स्टार्ट कर लेके एक साथ साथ व्लॉग भी बनाओ। यार सूरज बहुत ज़्यादा तेज, आप लोगों को सूरज दिखाऊँ नज़र तो नहीं आ रहा, हाँ कैमरे के पता नहीं नज़र आता होगा, नीचे देखते हैं, आता तो है यार, मुझे लगा कि शायद वो डिम हो जाता ना। यार ये हमारा लेमन वाला पौधा, इसमें लगे हुए बहुत सारे लीमू पर हैं, सारे छोटे छोटे, यार कहाँ से कोई बड़ा सारा यहाँ बैग पे लगे हैं। ओए 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 ये बड़े नहीं यार, अब मुझे पता भी नहीं पके कौन से होते हैं, ये लग रहा है ना इसमें जूसी जूसी, कोई दूसरा पौधा देख लें, दूसरे पौधे पे चलते हैं, दूसरा पौधे पे। आई 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 आप लोगों को बताते चलूँ भाई, यहाँ पे भी हमारे पौधे लगे हुए हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा पूरे फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे तो लगा ही कोई नहीं है भाई, कोई नहीं लगा हुआ यार, चलते हैं वापस। मम्मा को कहते हैं भाई नहीं लगा। यार मेरे सामने ना तहा सोया हुआ, ठीक है, दिन के इस टाइम बज रहे हैं 12, आपको पता तहा सोता ही रहता है, पढ़ता पुढ़ता कोई नहीं है, हमें नहीं फर्स्ट ईयर रिजल्ट है, ठीक है ना, आप लोगों को रिजल्ट ही नहीं बाहर आया। अगर आप लोगों ने इसकी वो वीडियो देखी जो पिछली वीडियोस में पड़ी हुई थी, वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। अच्छा बात यह कि तहा मेरे सामने सोया, तो मेरे दिमाग में एक प्लान है क्यों ना तहा के साथ एक प्रैंक कर लिए। प्रैंक यह कि तहा के ऊपर पॉइंटर है और सोफे के पीछे थोड़ी सी जगह, वहाँ मैं छुप जाऊँ उसे पता भी नहीं लगना, लेट्स ट्राई। लेके अगर गुस्सा आ गया फिर लड़ाई लड़ी हुई नहीं पता भाई, लड़ाई कैसे होती है, ठीक है। मैं डिसाइड करता हूँ कि कैमरा यहाँ पे कहीं छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जगह है, ठीक है, बैग पे और सोफे वगैरह के साइड पे भी जगह, ठीक है, कहीं पर भी मौका देख के ना छुपाता हूँ, तब पानी बैठते हैं बॉटल में फिट कर लूँगा, ठीक है। तब मेरे सामने से आप लोग दिखाते हैं, दोबारा देख लीजिए, ठीक है, इसमें प्लान करना ही करना है बस, ठीक है, ठीक है, मुझे तो मजा आने वाला है। बस ठीक है, कितना पानी, कितना मजा, ठीक है यार, उसको मेरे को ना पूरा नहाने लाना है, वो बेचारा नहाता भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छा लड़का है, आप लोग बुरा ना समझेगा, मैं भी उसकी बेचारे की मिस्ती करता
यार मुझे तो मजा नहीं आया यार, ये क्या यार, चूस इंसान है, उठता है फिर सो जाता है, उठता फिर सो जाता है, कोई ढूंढता ही नहीं। मैं सो जाता उठ के कोई ढूंढेगा कि कहाँ सुकमा नहीं यार, ढूंढता ही नहीं है, दोबारा वैसे ही सो जाता है। मज़ा ही नहीं आया मुझे, मुझे नहीं मज़ा आया। आप लोगों को पता नहीं मज़ा आया नहीं, लेकिन मुझे नहीं आया इस प्रैंक का मज़ा। प्रैंक तो ना बढ़ गया कसम में, उस बेचारे को फर्क घंटा नहीं पड़ा। उसने देखा कि पानी गिरा, उसने पीछे देखा तलहा भाई पीछे से ना पानी फेंक रहे, और उसके बाद भाई साहब वो दोबारा सो गया वैसे का वैसे ही सो गया। ठीक है, मैं सोचा था वो उठ जाएगा, कुछ पढ़ पुढ़ लेंगे, ले आ कोई वीडियो शूडियो बना लेंगे, लेकिन भाई साहब उसकी नींद पे कोई फैक्ट नहीं, वो दोबारा सो गया। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बात ये है कि आपका भाई इससे पिछली वीडियो अपलोड करता है पेमेंट रिसीव्ड वाली, ठीक है, उसमें भाई साहब मैं पेमेंट निकलवाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वो दिखाता नहीं हूँ ना कुछ मैं करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि उस पर मुझे एक नेगेटिव कमेंट आता है कि भाई साहब आपके बीच इतने व्यूज़ में, आपके भी इतने सब्सक्राइबर्स में, आपकी पेमेंट आ नहीं सकती, आप फूलिंग है, ये सब कुछ वो है। भाई साहब आप लोगों को इस बात का पता हो अगर कि भाई साहब व्यूज़ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, सारा कुछ ही डिपेंड एड्स पे कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने तो यार नेगेटिविटी फैलानी ही फैलानी, लोगों से जेलस होना ही होना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इतना वो होता, ठीक है, आप लोगों को मैं 2 महीने से कह रहा हूँ मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लो, आप लोग फॉलो करते 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 ना आप लोगों को पता लग जाता कि ये सच है, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी, सारा कुछ मैंने इन्जॉय किया था यार उस बात में, क्योंकि पहली तो पेमेंट थी मेरी। आप लोग फिर भी यार उस बात को नेगेटिव लेके जा रहे हो, नहीं यार क्यों नेगेटिव लेके जा रहे हो यार, आप लोग मुझे हौसला दो, मुझे कंग्रेट्स बोलो, कोई मुझसे ट्रीट रूट खाओ, कोई मीटअप करते हैं, कोई इन्जॉय करते हैं, नहीं भाई आप लोगों ने तो मुझे नेगेटिविटी दिखा दिखा कर भाई मेरा तो चैनल ठप करवा दे रहा है, क्योंकि जब मुझे नेगेटिविटी दिखाओगे तो मेरा दिमाग ख़राब होगा, मेरा दिमाग ख़राब होगा तो मेरा मूड ऑफ होगा, मेरा मूड ऑफ होगा तो भाई मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, आपका भाई वीडियो नहीं बना पाएगा, तो भाई हाँ फिर ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहिए और इंजॉय करते रहिए। टाइम हुआ जाता है 2:30, आपका भाई सुबह से पढ़ ही रहा था, आपके भाई ने कोई व्लॉग श्लोक नहीं बनाया, कोई आपका भाई स्टडी से ऊपर नहीं उठा, बल्कि पढ़ता ही रहा, ठीक है। और यार आपको मेन बात बता दूँ कि यार इस टाइम बजे 2:30, आपके भाई को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, मेरा दिल गया कुछ ना कुछ खा पी लिया है, लेकिन जैसे ही मैं उठ के बाहर जाने लगा तो मैंने देखा कि ताहा भाई साहब उठ के बैठ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हम चला लेते हैं लाइट, पर्दा पुर्दा पीछे कर लेते हैं यार इससे पहले के, क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस ख़राब हो जाती है हमारी मोबाइल की। ये रहा, अस्सलामु अलैकुम ताह भाई जान, क्या हाल चाल है आपका, सलाम तो ले लो। ताह भाई जान आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, हैं भाई साहब हम पढ़ते ही बहुत हैं, देखो हमारे घर में पढ़ाई कितनी होती है, देखो बुक सामने रखी और हमने सोना होता है, आपको मैंने जब वो क्रिएट किया था ना प्रैंक उस टाइम भी ताकि बुक कॉमें पड़ी, लेकिन तहा भाई सोए हुए थे, अभी भी तहा भाई उठ के बैठे हैं, और इस टाइम बजे हैं 2:30, मतलब के उठ के भाग रहा है, उसको बेचारे को शर्म आ रही है यार, क्या शर्मीला बच्चा हमारे घर में। अच्छा मुझे लग रही थी बुक, मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है। जपानी फल सामने पड़े हों और मैं ना खाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बैठ गए हैं इकट्ठे, ठीक है, और हम खाने लगे हैं जापानी फल। था खाने का तरीका बताओ, सबसे पहले क्या करना है, हैं सबसे पहले पढ़नी है बिस्मिल्लाह, फिर पढ़ने खाना। ताह से पूछा था आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा था भाई, आपको सबसे फेवरेट क्या चीज लगती है, हैं ये मुझे कह रहा है कि मुझे सबसे फेवरेट कुछ भी नहीं लगता, जो मुझे कुछ मिल जाए मैं खा जाऊंगा, ऐसी है जो मिल जाए भाई हम खा जाएंगे, हमें नहीं कोई ये कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती, हमें जो मिल जाए हमने खा जाना है। भाई लोग बुरे भी देखें नहीं, हम आराम आराम से खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते।
हम बस एक दिन में एक खा रहे हैं, बस एक ही खाया हमने, और तो नहीं कुछ खाना है ना, खाना और कुछ, बस हमने एक ही खा लिया, बस हम बस यही खाया ना आपके सामने, और तो नहीं ना कुछ खाया, बस यही खा के हमने बस शाम तक पढ़ते रहना, फिर हमने हमने कुछ काम नहीं करना, बस पढ़ते ही रहना है।